अर्थात अजनिष्ठ अनांतर अजानांतर निमित्तक है तो अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त है परिभाषा को अनित होने से। तथा अनित्यत्व का ज्ञापक किए न यह सूत्र निर्देश है। तथा क ई अण इस स्थिति में अंतरंग गुण होता है, इकार यण नहीं होता। यदि नाजानंतर दे की सर्वत्र प्रवृत्ति रहती, यदि नाजानंतर दे भस्व प्रकृति इस परिभाषा की प्रवृत्ति सभी जगह रहती तो असिद्ध परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती। यदि प्रवृत्ति की परिभाषा की प्रवृत्ति होती, असिद्ध परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती तो लक्ष्यगत परत्व लेकर जन होने लगता। पर महर्षि पाणिनि जी ने अंतरंग गुण किया, इससे जानते हैं कि नाजानंतर ये अनित्य है और अंतरंगम बलीय यह परिभाषा भाषांतर नहीं है, क्योंकि इसी का अर्थ होता है अंतरंग कर्तव्य रहने पर जाति बहिरंग और समकाल प्राप्त बहिरंग असिद्ध होता है। जाति बहिरंग और समकाल प्राप्त बहिरंग असिद्ध होता है। पद संस्कार पक्ष स्वीकार कर लेने पर केना निर्देश बन जाएगा, उससे नाजानंतर जी को अनित्य नहीं कर सकते। इस अव्यवस्था पर अरुच पर कहते हैं जो वस्तुतः उमांगोत्सव इसमें अंग ग्रहण से जानते हैं नाजानंतर जी अनित्य है, क्योंकि शिव आ ही यह स्थिति रहने पर सवर्ण दीर्घ को बाध कर धातु सर्व कार्य अंतरंग होने से आदगुण से गुण हो जाने पर वृद्धि का बाध करने के लिए आंग्रहण है। पुनः वस्तुतः उमांगोश्च इसमें आंग ग्रहण से जानते हैं तो नाजानंतर जे अनित्य है, क्योंकि शिव आ ही यह स्थिति रहने पर सवर्ण दीर्घ को बाध कर धातु सर्ग कार्य अंतरंग होने से आदगुण से गुण हो जाने पर वृद्धि का बाध के लिए आंग है। नाजानंतर जे लगने पर तो दीर्घादि हो जाएंगे, क्योंकि आंग्रहण व्यर्थ है, वही अनित्यता का ज्ञापन करता है, अतः इस परिभाषा की यहाँ पर प्रवृत्ति नहीं होती। नाजानंतर जी का उदाहरण है अक्षद्यूह, अक्षर दिव्यतीत विग्रह करके कुप च से कुप प्रत्यय समास कुप का सर्वापहारी लोप छोह से बकार को उठ अनुबंध लोप अंतरंग जन कर्तव्यता रहने पर उठ असिद्ध होने लगेगा, किंतु अजनिष्ठ अन्यानंतर जनमित्तक अंतरंग जन कर्तव्यता में बहिरंग उठ असिद्ध नहीं होगा, यण हो जाएगा। उत्तर काल पवित्र लोप में अजानंतर का अभाव भी है, क्योंकि कैयट की रीत से अंतरंग में ही अजनिष्ठ अन्यानंतर निमित्त होना चाहिए, वह अंतरंग लोप में नहीं है। वे वार्तिक ये हैं जैसे संयोगांत लोपे जन नौवाज लोपात बहिरंग लक्षणात्वाद वा क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय वार्तिक जसोद्देश्य पक्ष विषयक है, तृतीय वार्तिक कार्यकाल पक्ष विषयक है। जो यह कहते हैं कि पार्थिक कार्य का तो संयोगांत लोपे जन पर शोधो वाच्य यह वचन है, प्रत्याख्यान प्रकार द्वय भाष्यकार का है तथा वह निर्मूल है, मतभेद में कोई प्रमाण नहीं है। नोबा इस शब्द से स्वारस्य से समझते हैं कि वार्तिक कार का ही प्रत्याख्यान प्रकार है, भाष्यकार तो तत्तरि वक्तव्यम नो वक्तव्यम इत्यादि शब्दों के द्वारा प्रत्याख्यान करते हैं। इस स्थल पर तो संपूर्ण आरंभ और प्रत्याख्यान वार्तिक कार्य का ही है।
पुनः मनोरमा का पुनः यत्वाहुः वाति कृतो वचनम प्रत्याख्यान प्रकार द्वयम् भाष्य कृत इति तन्निर्मूलम् मतभेदे प्रमाणाभावात् मतभेदे प्रमाणाभावात् दद्याहु काव्यम् कलत्रम् स्वाल्वम् चाचक्षाणः काव कलत् साल अदभ्रयते रधम् इति पक्षत्रये भी संयोगांत लोपस्य दृढ़त्वात् आद्य पक्ष द्वयक रूप्यार्थम पूर्वम पूर्वमंतरंगम परम बहिरंग मित्यलोपनि लोपयोर सिद्धत्वस्य असुभचत्वात् अतेव कातंत्र परितिष्ठे शुक्लयते क्विप शुक्ल इत्युदाहृतम् शुक्ल इत्युदाहृतम् बांतोई बांतयो क्विप उठो दुर्बारत्वात् नौचो स्थानी वक्तों को विधिम प्रति सन्निखेधा बीचि लोपोभ्यो इति लोपस्य प्रसंगाच्च गिरिवेशमयेस्तु क्विप जन प्रतिषेधार्थम वचनारंभ पक्षे गिरि वेदित्युचितम प्रत्याख्यान पक्षे तो मांत में वेत दिक् अत्र सर्वरत्नकारः इति शेख यलोपे मतभेद नो वेति वा शब्दस्वारस्येन वचनारम्भवादिन एव प्रत्याख्यान प्रकारो भाषकृत तत्तरि वक्तव्यम नो वक्तव्यम इत्यादि शब्दैरेव प्रत्याचेत सर्व वार्तिकृत एवेति भाव कवित्यादि संयोगांत लोपादिति भाव ननु पूर्वपदस्थानिक मंतरंग मित्यर्थो नो भाष्य सम्मतः किंतु पूर्व पूर्व निमित्तक मित्येव किंच प्रातिपदिकात् निजोत्पत्तेव भाष्य सम्मत तया बहिर्भूत शुभ निमित्तक संयोगांत लोपोपि बहिरंग इत्यरुचेराह बांतयोरिति काव्ये जलोपे स्थानिवत्व निषेधात् लोपोभ्यो इति कृते बांतत्वमिति उठ दुर्बारोन्त्ये स्वस्वत एवेति तत्र बलोपम बाचितोठ दुर्बार इत्यर्थः विचित काव्य शब्दे इति शेखः जलोपे स्थानिवत्व निषेधात् एवं च प्राचीनोक्तम संयोगांत लोपोदाहरणत्वमयुक्तमिति भावः साल्वे तु अल्लोपादे स्थाने वत्वान्न तत्प्रसक्तिरिति बोध्यम् मान्तमेवेति अस्य प्राप्नोति इति शेखः तस्मात् तत्पक्षेपि वाक्यभेदेन व्याख्याय गिर्वेदित्येव अन्यथा आरंभ प्रत्याख्यानयो फलभेद सैदी भाव दिगति दिगर्थस्तु संयोगांत लोप संयोगादि लोप विषयकतया आरब्ध से जन प्रसिद्धि वचन से संयोगांत लोप विषयक झलो लोपात व्याख्यात अतएव त्र संयोगांत लोपो झलो लोप इति भाष्ये व्याख्याता बहिरंग लक्षणत्वाद्वा इत्यस्य तु बहिरंगो जनादेशो अंतरंगो लोप इति व्याख्यानेन वार्तिक स्वारस्येन चेतसानां लक्ष्याणां मनविधानमेव वस्तुतः तृतीयं विसर्जनीय सूत्रभाष्ये कार्यकालपक्षमुपक्रम्य अयुक्तोऽयं परिहारो न वा बहिरंग लक्षणत्वाद्वा इत्यनेन दुखित मिथ्यलम् यहाँ पर पहले भी कह चुके हैं जो अधनिष्ठ